की क्लास में हम लोग पॉलीनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे। एक वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आगे जितने भी क्लासेस हैं और जब तक आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तब तक पॉलीनोमियल आपके काम आएगा। तो सभी बच्चे इसको ध्यान से देखेंगे और सीखेंगे, ठीक है बच्चों? ओके, इसमें पहला कंसेप्ट है पॉलीनोमियल। व्हाट इज़ पॉलीनोमियल? सो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच पावर ऑफ वेरिएबल्स आर होल नंबर। ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स की पावर होल नंबर होती है उसको क्या कहते हैं? पॉलीनोमियल कहते हैं, ठीक है। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है ये सब चीज़ें मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताई हुई हैं। क्लास 8 की वीडियो आप देखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, उसमें आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी कि क्या वेरिएबल होता है, क्या कॉन्स्टेंट होता है, उसमें एक एक पॉइंट एक्सप्लेन किया गया है। तो अगर आपको क्लास 8 का नॉलेज नहीं है तो आप क्लास 8 की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर मिलेगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है बच्चों? ओके, सो पॉलीनोमियल क्या बताया मैंने आपको? ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल की पावर्स कैसी होती हैं? होल नंबर्स। अब होल नंबर्स आपको पता है क्या होते हैं? हमने चैप्टर 1 किया है अभी रियल नंबर, तो उसमें होल नंबर पढ़ाया था मैंने 0, 1, 2, 3, 4। इसको हम क्या बोलते हैं? 0, 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी, इसको बोलते हैं होल नंबर्स। यानी कि जो भी वेरिएबल प्रेजेंट हैं, चाहे एक्स हो, चाहे वाई हो, चाहे जेड हो, चाहे ए बी सी, कोई भी वेरिएबल है, उसकी जो पावर में नंबर्स होंगे वो कैसे नंबर होंगे? या तो 0 होगा, या 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा, या 4 होगा, इस टाइप का नंबर होगा। अगर कभी भी पावर में हाफ आ रहा हो, ये डेसिमल वाला नंबर आ रहा हो, या फिर माइनस में आ रहा हो, ठीक है, या फिर अंडर रूट में आ रहा हो, इस टाइप का कोई भी नंबर अगर वेरिएबल के पावर में आता है तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलीनोमियल नहीं कहलाएगा। समझ आ रहा है आपको? फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर ये आप देख रहे हैं 2x+5, तो उसमें x की पावर कितनी है? 1 है। 1 क्या है? होल नंबर है। तो ये क्या है? पॉलीनोमियल। सेकेंड एग्ज़ाम्पल है 2y² + 3y - 7, तो यहाँ पर y की पावर कितनी है? 2 है। इसमें y का पावर 1 है, दोनों होल नंबर हैं, देयरफॉर दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज एन पॉलीनोमियल। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज t³ + ½t²-4t। तो यहाँ t की पावर कितनी है? 3 है। यहाँ t की पावर कितनी है? 2 है। और यहाँ t की पावर कितनी है? 1 है। तो 1, 2, 3 ऑल आर होल नंबर्स, देयरफॉर दिस एक्सप्रेशन इज ऑल्सो ए पॉलीनोमियल। फोर्थ वन इज √3x² + 4x + 5। तो यहाँ x की पावर कितनी है? 2 है। यहाँ x की पावर कुछ नहीं है तो 1, जब भी कुछ नहीं होता है तो 1 मानते हैं। तो 1 है और 2 है पावर में, 1 और 2 कैसे नंबर हैं? होल नंबर्स हैं। देयरफॉर ऑल दीज एक्सप्रेशंस आर पॉलीनोमियल। समझ आ रहा है? आपको सिर्फ वेरिएबल की पावर को देखनी है, वेरिएबल के आगे कौन सा नंबर है ये नहीं देख रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हैं ये हाफ है, यहाँ पे अंडर रूट है ना, इन सब से में कोई मतलब नहीं है। वेरिएबल के आगे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। हमें किससे मतलब है? सिर्फ वेरिएबल के पावर से मतलब है। आई रिपीट अगेन, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर होती है उसको हम पॉलीनोमियल कहते हैं। एक नंबर का ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर आता है, इस चीज़ को ध्यान रखना है आपने, ठीक है। अब देखिए जो सेकेंड एग्ज़ाम्पल है इसमें है 2x² + 3√x। तो अंडर रूट एक्स को जब हम पावर में कन्वर्ट करेंगे तो इसका हो जाएगा 3x² ½, है ना। अंडर रूट एक्स का मतलब होता है, अंडर रूट एक्स का मतलब होता है एक्स की पावर हाफ, ठीक है बच्चों? और मैंने क्या बताया था? हाफ आना चाहिए पावर में। हाफ होल नंबर होता है? नहीं होता है। हाफ इज़ नॉट ए होल नंबर, हाफ इज़ ए फ्रैक्शन। तो पावर में क्या है? होल नंबर नहीं है। देयरफॉर दिस एक्सप्रेशन इज नॉट ए पॉलीनोमियल, ये एक्सप्रेशन एक पॉलीनोमियल नहीं है। क्लियर है? नहीं क्लियर है? इन दिस सेम वे ये जो एग्जाम्पल है x² + 1/x + 4, इसमें जब हम x को ऊपर ले जाएंगे, ऊपर की साइड ले जाएंगे, इसको x को जब आप ऊपर ले जाओगे
तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर माइनस वन, है ना। अभी नीचे पावर में एक्स पावर वन है, प्लस में है, उसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा पावर माइनस हो जाएगा। जब हम पावर को ऊपर ले जाते हैं तो अगर पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव, उल्टा हो जाता है मतलब। सो अभी ये पॉजिटिव है एक्स पावर वन, इसको ऊपर ले जाएंगे तो एक्स पावर माइनस वन हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक्स पावर माइनस वन पावर कैसी है, माइनस वन। तो माइनस वन होल नंबर है कि नहीं है, माइनस वन इज़ नॉट ए होल नंबर, है ना। देयरफोर दिस एक्सप्रेशन इज आल्सो नॉट अ पॉलीनोमियल। समझ आ रहे है? मतलब यही है कि मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ना तो पावर में फ्रैक्शन आनी चाहिए, ना ही पावर में डेसिमल वाले नंबर आने चाहिए, ना ही पावर में माइनस के नंबर्स आने चाहिए, और ना ही पावर में अंडर रूट आने चाहिए। समझ आ रहा है? जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल और देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर रूट थ्री प्लस फोर, तो ये पॉलीनोमियल है, दिस इज़ नॉट ए पॉलीनोमियल बिकॉज यहाँ पावर में अंडर रूट वाले नंबर्स आ रहे हैं। तो ना तो फ्रैक्शन में हो, ना ही डेसिमल में हो, ना ही नेगेटिव नंबर हो, और ना ही अंडर रूट वाले हो। ये चार टाइप के नंबर उसमें नहीं होने चाहिए। कैसे नंबर होने चाहिए? कंप्लीट नंबर्स, जीरो वन टू थ्री फोर एंड सो वन, इस तरह के नंबर होते हैं तो उसको हम पॉलीनोमियल बोलते हैं, अदरवाइज उसको पॉलीनोमियल नहीं बोलते। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गया होगा, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको आपको समझना है आपने, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलीनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री एन इज पी एक्स इक्वल्स टू ए एन एक्स की पावर एन, ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस डॉट 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 प्लस ए वन एक्स प्लस ए ज़ीरो। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म डिग्री एन क्यों कह गए हैं? क्योंकि अभी हम डिग्री के बारे में पढ़ेंगे, जो हाइस्ट पावर होती है वेरिएबल की उसको हम डिग्री कहते हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर n है, इसलिए डिग्री n कहा गया है। और पॉलीनोमियल को पी एक्स से डिनोट करते हैं, इसलिए यहाँ पर पी एक्स लिखा गया है, ठीक है। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो जब भी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो हमें क्या करना है, सबसे बड़ी पावर सबसे पहले आएगी, फिर उसके बाद उससे छोटी पावर, फिर उसके बाद उससे छोटी पावर, और सबसे लास्ट में सबसे छोटी पावर और कॉन्स्टेंट नंबर आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारे पास एक मान लीजिए पॉलीनोमियल है, एक पॉलीनोमियल है एक्स की पावर थ्री प्लस फोर एक्स की पावर फाइव प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स की पावर नाइन प्लस फाइव, ये पॉलीनोमियल है। तो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नो, क्योंकि यहाँ पे जो आप देख रहे हो पावर्स, यहाँ पे थ्री है, यहाँ फाइव है, यहाँ टू है, यहाँ नाइन है, इसका कोई ऑर्डर नहीं है, है ना। ये जो है ये डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, कभी इंक्रीज़ हो रहा है कभी डिक्रीज़ हो रहा है। हमें क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है पावर्स को। सबसे पहला कौन सा आएगा, सबसे बड़ा पावर, हम क्या लिखेंगे इसको सेवन एक्स की पावर नाइन, फिर उसके बाद इससे छोटा, इससे छोटा कौन सा है, ये वाला है, तो प्लस फोर एक्स की पावर फाइव, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, प्लस एक्स की पावर थ्री प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव, दिस इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलीनोमियल। समझ आ रहे हैं? इसको हम किससे डिनोट करेंगे, पी एक्स से, पी फोर पॉलीनोमियल और इसमें वेरिएबल एक्स है इसलिए पी एक्स, ठीक है, क्लियर है। सो पी पॉलीनोमियल किससे डिनोट करते हैं, पी एक्स से डिनोट करते हैं। और स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें क्या करना होता है, सबसे हाइस्ट पावर को सबसे पहले, उसके बाद उससे छोटी पावर, उससे छोटी पावर और उससे छोटी पावर, और लास्ट में हमें कॉन्स्टेंट नंबर लिखना होगा। अब इसमें हम ये देखेंगे कि जितने भी नंबर, जितने भी टर्म, ये नंबर्स हैं जिनके बीच में प्लस माइनस हैं, ये सारे क्या कहलाएंगे, टर्म्स कहलाते हैं। सेवन एक्स की पावर नाइन, फोर एक्स की पावर फाइव, एक्स क्यूब, थ्री एक्स स्क्वायर एंड प्लस फाइव, ये सारे सारे क्या कहलाएंगे इस पॉलीनोमियल के, टर्म्स कहलाएंगे, जिनके बीच में प्लस और माइनस का साइन होता है ना। इन दोनों के बीच में प्लस माइनस का साइन है, इन दोनों के बीच में प्लस माइनस का प्लस का साइन है, इन दोनों के बीच में प्लस का साइन है, इन दोनों के माइनस का भी साइन हो सकता है, प्लस का साइन हो या माइनस का साइन हो, जिन दो नंबर्स के बीच में प्लस और माइनस का साइन होता है उनको हम बोलते हैं टर्म्स। तो इसमें कितने टर्म हैं, वन टू थ्री फोर और फाइव, इसको बोलते हैं टर्म।
और इसमें कोफिशियंट क्या हो जाएगा, हर एक टर्म का एक कोफिशियंट होता है। तो कोफिशियंट क्या होता है कि जो उसके साथ मल्टीप्लाई में होता है नंबर, उसको बोलते हैं कोफिशियंट। जैसे ये वाला हमारे पास पहला टर्म है 7x की पावर 9, तो इसका कोफिशियंट कितना हो जाएगा 7, क्योंकि ये x की पावर 9 के साथ मल्टीप्लाई में कौन सा नंबर है 7, तो इसका कोफिशियंट 7 हो जाएगा। इसका कोफिशियंट कितना होगा 4, इसका कोफिशियंट कितना होगा जब जब कुछ नहीं होता है तो क्या मानते हैं हम 1, इसका कोफिशियंट कितना होगा 3, और ये तो खुद ही कांस्टेंट टर्म है तो इसके कोई कोफिशियंट की बात नहीं है। तो कोफिशियंट और टर्म्स आपको समझ आ गए, प्लस और माइनस से जो भी कनेक्टेड होंगे जितने भी नंबर्स वो सारे टर्म्स कहलाएंगे, और हर एक टर्म में जो कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई होगा, हर एक टर्म के आगे जो नंबर होता है वो उस टर्म का कोफिशियंट कहलाता है। मान लो यहाँ पे माइनस होता है बीच में कहीं पर, यहाँ पे ये प्लस ना होके माइनस होता तो इसका कोफिशियंट कितना आ जाता है -3, अगर बीच में कहीं पर माइनस होता है तो माइनस के साथ ले लेंगे इसको। आई होप आपको टर्म और कोफिशियंट और पॉलिनोमियल ये तीन चीज़ें समझ आ गई हैं। देखिए इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपको बताया है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल इज px = (an(x)(n) + (an-1)(x)(n-1) + ……(a₁x) + (a₀). इन दिस पॉलिनोमियल (an(x)(n)(n-1)(x)(n-1), (a₁x), (a₀) आर नॉन एज टर्म्स। इनको क्या बोलते हैं टर्म। क्यों बोल रहे हैं इनको टर्म्स, क्योंकि इन सब के पीछे प्लस साइन है, प्लस का भी साइन हो सकता है माइनस का भी साइन हो सकता है, सिर्फ हमें प्लस और माइनस का देखते हैं और कोई नहीं। प्लस और माइनस का साइन अगर होगा तो उनको हम बोलेंगे टर्म्स, जिनके बीच में भी प्लस और माइनस का साइन होता है उसको बोलते हैं टर्म्स। एंड अब देखो इसका कोफिशियंट कितना होगा an, तो an इसका कोफिशियंट हो गया। इसका कोफिशियंट कितना होगा (an-1), इसका कोफिशियंट कितना होगा (a₁), और (a₀) को हम क्या बोलेंगे कॉन्स्टेंट पर। तो दीज आर कॉल्ड कोफिशियंट्स ऑफ (x)(n), (x)(n-1) and (x₀, (x₁), ठीक है x ओनली x, लास्ट में x बचे हैं, ये फुल स्टॉप है, ये (x₀) नहीं है, दिस इज अ फुल स्टॉप, फुल स्टॉप और वी कैन से डेट कॉमा, ठीक है। सो (an, an-1), (a₁, a₀) आर द कोफिशियंट्स ऑफ दीज टर्म्स। समझ आ रहा है आपको कोफिशियंट और टर्म्स, आई होप ये समझ आ गया होगा। क्लास 8th में भी एक्सप्लेन किया है मैंने, आप इसको देख लेना अच्छी तरह से, ये क्लियर हो जाना चाहिए, आगे क्लास में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको। यहाँ पर एक एग्जांपल भी बताया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक पॉलिनोमियल है (x)(3+3x²-2x+3). इस एक्सप्रेशन में जितने भी नंबर प्लस माइनस से कनेक्टेड हैं वो सारे टर्म्स हैं। कौन कौन से कनेक्टेड हैं, (x)(3), (3x²), (-2x) क्यों लिया है मैंने, अगर किसी के आगे माइनस होगा तो हम माइनस को भी लेना है हमें, एंड लास्ट में कौन सा बच गया 3, इन सबको हम क्या बोलेंगे टर्म्स। ये चारों के चारों इसके क्या हैं टर्म्स हैं। एंड कोफिशियंट ऑफ (x³), (x³) का कोफिशियंट कितना होगा 1, कुछ भी नहीं होता है तो 1 मानते हैं। फिर कोफिशियंट ऑफ (x²), (x² का कोफिशियंट, (x² के साथ कौन सा नंबर है मल्टीप्लाई में 3, (x² का कोफिशियंट 3 हो जाएगा, ठीक है। एंड कोफिशियंट ऑफ (x), (x) का कोफिशियंट कितना है x के साथ मल्टीप्लाई में कितना है -2, आपको साइन के साथ लेना है, ठीक है। तो कोफिशियंट ऑफ (x) = -2 एंड 3 इज कॉल्ड कॉन्स्टेंट टर्म। इतना क्लियर हो जाना चाहिए सभी को, ठीक है। पॉलिनोमियल क्या होता है, कोफिशियंट क्या होते हैं और टर्म्स क्या होते हैं, ओके। नेक्स्ट कंसेप्ट इज डिग्री। द डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इज़ द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। कोई भी पॉलिनोमियल हमारे पास है उसमें जो भी वेरिएबल प्रेजेंट हैं उसकी जो सबसे बड़ी पावर होती है उसको बोलते हैं डिग्री। जैसे यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि ये जो है, ये जो पॉलिनोमियल है हमारे पास (3x³-4x²+4), इसमें सबसे बड़ी पावर 3 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 3। और ये जो पॉलिनोमियल है (2x)4-3x², ये इसको देखना है स्पेशली आपको, (2x)4-3x²y³+4x²y-3y), इसकी डिग्री कितनी है 5 है। इसकी डिग्री 5 क्यों है,
क्योंकि अभी आप यहाँ देखेंगे ये जो वेरिएबल है, ये जो पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल का, इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है एक्स, जबकि ये जो पॉलिनोमियल है इसमें दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई। तो जब भी दो वेरिएबल या तीन वेरिएबल आते हैं या उससे ज़्यादा वेरिएबल्स आते हैं तो हम क्या करेंगे, हर एक टर्म की जो पावर होगी उसको ऐड कर देंगे, और फिर जो सबसे बड़ी पावर आएगी वो होगा, क्या होगा वो, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे देखिए इसमें तो सिर्फ एक्स है, इसकी पावर फोर होगी, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों हैं, एक्स और वाई दोनों हैं, एक्स की पावर टू है, वाई की पावर थ्री है, ऐड करेंगे टू प्लस थ्री कितना हो जाएगा फाइव, यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई है, एक्स की पावर टू है, वाई की पावर वन है, ऐड करेंगे कितना हो जाएगा थ्री, यहाँ पर सिर्फ वाई है, इसकी पावर वन होगी। अब इन चारों में से मैक्सिमम कौन सा है ये देखना है हमें, मैक्सिमम इज़ फाइव, देयरफॉर डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज़ फाइव। आई होप आपको समझ आ गया होगा। एक से ज़्यादा अगर वेरिएबल है तो उस केस में हम क्या करेंगे, हर एक टर्म में जो वेरिएबल्स की पावर हैं उसको ऐड कर देंगे और उसके बाद चेक करेंगे कि सबसे बड़ी पावर कौन सी है। जो सबसे बड़ी पावर होगी डैट विल बी द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अगर सिंगल वेरिएबल है तो हम सिंपल सिंपल लिख देंगे कि इसकी पावर थ्री है, इसकी पावर टू है, तो थ्री और टू में से थ्री मैक्सिमम है इसलिए थ्री इसका डिग्री है। सिंगल वेरिएबल में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सिंगल वेरिएबल में सिर्फ देखना है कि सबसे बड़ी पावर कौन सा है। लेकिन एक से ज़्यादा वेरिएबल जब होते हैं तो उसमें हर एक टर्म्स के पावर को प्लस किया जाता है, उसके बाद देखा जाता है कि सबसे बड़ी पावर कौन सी है। जो सबसे बड़ी पावर होगी डैट विल बी द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल की टाइप्स, तो फाइव टाइप्स के पॉलिनोमियल हैं। यहाँ पर नेम ऑफ पॉलिनोमियल गिवन है, इसकी डिग्री गिवन है, यहाँ एग्जांपल गिवन है। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से देखना है आपको। कांस्टेंट पॉलिनोमियल पहला है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल इसकी डिग्री कितनी होती है, जीरो। ठीक है, जितने भी कांस्टेंट नंबर है, ये इसका एग्जांपल है, देखो सिक्स, हाफ, माइनस फाइव, ये सारे सारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाते हैं। और इसकी डिग्री जीरो क्यों होती है, क्योंकि मैंने आपको ये बताया था चैप्टर वन में कि किसी भी नंबर की पावर अगर जीरो हो जाए उसकी वैल्यू वन आती है। ऐसे एक्स की पावर जीरो अगर हो जाएगा तो इसकी वैल्यू भी वन आएगी। तो हम जैसे मान लीजिए सिक्स है यहाँ पे, तो सिक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ सिक्स इंटू एक्स की पावर जीरो, क्योंकि एक्स की पावर जीरो कितना होगा वन, एंड सिक्स वन जा सिक्स आ जाएगा, तो सिक्स को ऐसे लिख सकते हैं। अब ये जो एक्सप्रेशन है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है, जीरो, इसलिए इसकी डिग्री कितनी होगी, जीरो। समझ आ रहा है? तो जितने भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैं सबकी डिग्री कितनी होती है, जीरो, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट इज लीनियर पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री वन होती है, थ्री एक्स प्लस फाइव इसका एग्जाम्पल है, एक्स की पावर वन है, क्लियर दिख रहा है आपको। नेक्स्ट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री टू होती है, यहाँ पे दिख रहा है आपको एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फोर, इसमें एक्स के हाइस्ट पावर कितनी है, टू है, देयरफॉर डिग्री ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज़ टू एंड दिस पॉलिनोमियल इज़ कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री थ्री होती है, यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में दिख रहा है आपको एक्स की पावर थ्री प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव है, हाइस्ट पावर थ्री है, सो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, थ्री हो जाएगी। नेक्स्ट इज बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसकी डिग्री फोर होती है, यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा है एक्स की पावर फोर प्लस थ्री एक्स क्यूब प्लस सेवन एक्स प्लस फाइव में वेरिएबल की हाइस्ट पावर कितनी है, फोर है, सो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी, फोर हो जाएगी, और इसका क्या नाम होगा, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, एंड लास्ट बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जीरो जो नंबर होता है जीरो। अभी देखिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल बताया मैंने आपको कि जितने भी नंबर होते हैं वो सारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाते हैं, तो इन कांस्टेंट नंबर्स में एक जीरो भी आता है ना, जीरो को हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे, जीरो एक स्पेशल नंबर है जिसको हम जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। जीरो के अलावा जितने भी नंबर हैं सारे नंबर को बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, सिर्फ जीरो एक ऐसा नंबर है जिसको हम क्या बोलेंगे, जीरो पॉलिनोमियल, और ये एक स्पेशल पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री नहीं होती, इट्स डिग्री इज नॉट डिफाइंड। ये वन मार्क्स से पूछा जाता है कई बार, है ना, कि ऐसा कौन सा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री नहीं होती, तो जीरो पॉलिनोमियल, है ना। एंड अगर ये पूछेंगे व्हाट इज़ जीरो पॉलिनोमियल, सो जीरो इज़ कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल,
एंड व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ जीरो पॉलीनोमियल? सो आंसर इज इट्स डिग्री इज नॉट डिफाइंड. आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा. जीरो के अलावा जितने भी नंबर होंगे, जीरो के आगे और जीरो के पीछे जितने भी नंबर्स होते हैं, ये सारे के सारे नंबर क्या कहलाते हैं? कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल. ठीक है, इन सब को हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल. सिर्फ जीरो एक ऐसा नंबर है जिसको कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल नहीं कहा जाता है, इसको जीरो पॉलीनोमियल कहते हैं. और जीरो पॉलीनोमियल की डिग्री नहीं होती है. इज इट क्लियर? ओके, इसको याद रखना है, एग्जाम में आता है. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल बेस्ड ऑन टर्म्स. अब टर्म्स के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, है ना. टर्म्स में अगर एक टर्म होगा तो उसको बोलेंगे मोनोमियल, जिसमें एक ही टर्म होता है, यानी प्लस माइनस का साइन कहीं आएगा ही नहीं उसमें. 5x, 2xy, 3, इन सब में प्लस माइनस का साइन दिख रहा है आपको? कहीं पर भी नहीं है प्लस माइनस का साइन, सिर्फ मल्टीप्लाई का साइन है. 5x है, 5x को लिख सकते हैं 5 × x. 2xy है तो इसको लिख सकते हैं 2 × x × y. तो मल्टीप्लाई का साइन है, प्लस और माइनस का साइन नहीं है. तो जिसमें भी एक ही टर्म होगा उसको बोलेंगे मोनोमियल. दो टर्म होंगे तो क्या बोलेंगे? बायनोमियल. जैसे x प्लस 3 है, 5x² - 2x है, इज आर द बायनोमियल. तीन टर्म्स होंगे तो ट्राइनोमियल, है ना. यहाँ पे दिख रहा है आपको 2x³ + 3x + 4, तीन टर्म्स हैं, ट्राइनोमियल बोलते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज वैल्यू ऑफ ए पॉलीनोमियल. वैल्यू ऑफ ए पॉलीनोमियल, द वैल्यू ऑफ ए पॉलीनोमियल px एट x = a इज pa, है ना. px एक पॉलीनोमियल है और x = a पे उसकी वैल्यू फाइंड करने चाहते हैं, तो उसका जो नोटेशन होगा उसको हम किससे डिनोट करेंगे? pa से डिनोट करेंगे. एंड इट इज ऑब्टेंड बाय रिप्लेसिंग x बाय a. जहाँ जहाँ x है वहाँ हमें क्या करना है? a को रख देना है, रिप्लेस कर देना है. x को किससे रिप्लेस करना है? a से. ठीक है, जहाँ जहाँ पॉलीनोमियल में x प्रेजेंट है वहाँ a रख देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे, उसका आंसर आ जाएगा. जैसे एक्सरसाइज 2.1 के कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको देखना है आपने. पहला क्वेश्चन है, ये pt की वैल्यू दी है, पॉलीनोमियल pt है 2+t + 2t² - t³. और हमें p0, p1 और p2 की वैल्यू फाइंड करनी है. तो अब हमें p0 फाइंड करना है. तो p0 मतलब क्या है? कि जहाँ जहाँ पर वेरिएबल है वहाँ पे हमें क्या रखना है? जीरो वैल्यू, जीरो रखनी है. तो क्या आ जाएगा? 2+0+2 × 0² - 0³. तो ये तो सारे जीरो हो जाएंगे, क्योंकि 0² जीरो होता है. 2 × 0 जीरो होगा, फिर 0 - 0 जीरो होगा, 0+0 जीरो होगा. तो क्या बचेगा फाइनल आंसर? 2 बचेगा. सो p0 की वैल्यू कितनी आएगी? 2 आएगी. नेक्स्ट इज p1. p1 फाइंड करना है हमें. तो p1 में अब हमें क्या करना है? जहाँ जहाँ वेरिएबल है वहाँ कौन क्या रखना है? हमें 1 रखना है, है ना. जहाँ पर भी वेरिएबल प्रेजेंट है उसकी जगह हम क्या रखेंगे? 1. तो अब ये कितना आ जाएगा? 2. यहाँ पर t है तो इसकी जगह हमने 1 रख दिया. फिर 2t² है तो -2 × 1² और यहाँ पे -t³ है तो -1³. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 2+1, 1² 1 × 1 = 1, फिर 2 × 1 = 2, 2 आ जाएगा, -1³ = 1. इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 4 आंसर आ जाएगा. ठीक है. एंड p2 की वैल्यू फाइंड करनी है. तो अब हमें क्या करना है? जहाँ जहाँ वेरिएबल है वहाँ क्या रखना है? हमें 2 रखना है. कितना आएगा? 2+2 + 2 × 2³ − 2³. तो ये कितना आ जाएगा? 2+2, ये तो आ ही गया, 2² = 4, तो 2 × 4 हो गया, और 2³ = 8. 2 × 2 = 4 × 2 = 8. अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा? 2+2 = 4 हो गया, और 4 × 2 = 8. 8 - 8 = 0 जीरो हो गया, ये 4 आंसर आ जाएगा. समझ आ रहा है आपको? तो इस तरह से कोई भी वेरिएबल दिया हुआ है उसकी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं, है ना. मान लीजिए px है हमारे पास, px है x²(x³ - 3x) और हमें p1 की वैल्यू फाइंड करनी है. तो कितना आ जाएगा? 1³ - 3 × 1, यह आ जाएगा 1 - 3 - 2. समझ आ रहे हैं? एक पॉलीनोमियल और ले लेते हैं, py ले लेते हैं हम. चलो py = y² + 3y + 2, ये पॉलीनोमियल है. ठीक है, अब हम p2 की वैल्यू फाइंड करते हैं.
कितना देगा, 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 2, ठीक है, कितना आ जाएगा, अब ये 2 की पावर 2 करेंगे कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, फिर 3 इंटू 2 6 हो गया, एंड 2 वन जा 2, 4 और 6 10, 10 प्लस 2 12 आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपको वैल्यू फाइंड करनी है। जब भी वैल्यू फाइंड करना होता है बहुत ही सिंपल है, जो भी वेरिएबल गिवन है उसकी जगह हमें वो वैल्यू पुट कर देनी है जो क्वेश्चन में गिवन है ना, 2 यहाँ पर है तो हम 2 पुट कर देंगे, वाई की जगह 2 रख देंगे, अगर यहाँ 0 होता तो हम 0 रख देते, और फिर सिंपलीफाई कर देना है, बहुत ही सिंपल है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कैसे हम वैल्यू फाइंड करते हैं। नेक्स्ट इज ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, एक होता है जीरो पॉलिनोमियल, एक होता है जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है। नंबर जीरो जो होता है उसको बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल, एंड जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल का मतलब ये होता है कि ऐसा नंबर जो उसको उसका सोल्यूशन हो, है ना, जब हम सॉल्व करते हैं इक्वेशंस को तो उसमें एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं लास्ट में, तो जो वैल्यू आती है वो उसका सोल्यूशन कहलाता है, तो सोल्यूशन को ही हम बोलते हैं जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, समझ आ रहे हैं। लेट पी एक्स बी ए पॉलिनोमियल, इफ़ द वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एट एक्स इक्वल्स टू ए इज़ ज़ीरो, है ना, एक्स की जगह हम ए रखेंगे, जहाँ जहाँ वेरिएबल है एक्स वहाँ हम ए रख देंगे और सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद अगर आंसर जीरो आ जाए तो वो उसका जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल कहलाता है, यानी पी ए की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, ज़ीरो आनी चाहिए, देन ए इज़ कॉल्ड जीरो ऑफ पी एक्स। जैसे हमारे पास ये है क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है ये, सो पी एक्स इज इक्वल टू 3x+1 है, हमें ये चेक करना है कि x इक्वल टू -1/3 ज़ीरो है कि नहीं है, तो हम कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे p-1/3, और जहाँ x है वहाँ पर हम -1/3 रख देंगे, तो ये आ जाएगा 3 इंटू -1/3 प्लस 1, 3 से 3 कैंसिल आ गया, -1 प्लस 1, और ये 0 आ गया। अब इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है, तो जब भी पी ए की वैल्यू 0 आएगी उस केस में ये जो नंबर है ये नंबर क्या कहलाएगा, 0 ऑफ पी एक्स, ठीक है। एक क्वेश्चन है पी एक्स इज इक्वल्स टू lx+m, और x की वैल्यू ये है, ये हमें पता लगाना है ये 0 है कि नहीं है, तो इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे पी ऑफ m अपॉन l, -m/l यहाँ पे रख देंगे, l इंटू -m/l, l से l कैंसिल हो जाएगा, -m+m आ जाएगा, -m+m ये 0 आ जाएगा, इसकी वैल्यू 0 आ रही है, देयरफॉर दिस इज़ अ 0 ऑफ पी एक्स। समझ आ रहा है सभी को, बहुत ही सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हमें चेक करना है, मान लीजिए कोई भी पॉलिनोमियल ले लेते हैं, पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 ले लेते हैं, अब हम यहाँ पे पी की वैल्यू 0 रख देते हैं, कितना आएगा, 0 प्लस 2 कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो आ रहा है कितना चाहिए, 0, है ना, यहाँ लिखेंगे सिंस पी 0 इज नॉट इक्वल्स टू 0, सिंस पी 0 इज नॉट इक्वल्स टू 0, देयरफॉर x इक्वल्स टू 0 इज नॉट अ 0 ऑफ पी एक्स, ठीक है। इस तरह से अब मान लीजिए हमने ले लिया पी एक्स, हमारे पास है पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 ही ले लेते हैं दोबारा से, अब x की जगह मैंने -2 रख दिया, मान लीजिए -2 रख दिया, तो -2 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो p ऑफ -2 0 आ रहा है, है ना, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू -2 इज अ 0 ऑफ पी एक्स। जब भी सॉल्व करके आंसर 0 आ जाएगा तो उसका 0 कहलाएगा, 0 अगर नहीं आ रहा है तो 0 नहीं कहलाएगा, सिंपल सी बात है, क्लियर है। तो ये आप इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज में इसको आप कर लेना। फिर ये एक क्वेश्चन और दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में, हमें इसमें 0 फाइंड करना है, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे राइट साइड कॉर्नर पे क्वेश्चन किया है मैंने, 0 फाइंड करना है। तो जब भी 0 फाइंड करना होता है उस केस में आपको जो भी पॉलिनोमियल दिया है उसको 0 के इक्वल्स टू रख देना है, दिस इज़ द रूल, है ना। जब भी आपको 0 फाइंड करना है तो पी एक्स इक्वल टू 0 कर देंगे, उसके बाद फिर हम सिंप्लीफाई करेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे। हमें 0 फाइंड करना है तो हमने पी एक्स इक्वल टू 0 कर दिया, अब यहाँ पी एक्स की वैल्यू रख दो, पी एक्स की वैल्यू कितनी है, 2x+5, तो 2x+5 इक्वल टू 0 हो गया। अब ये प्लस का 5 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5 हो गया, 2x इक्वल टू -5,
अब टू मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू माइनस फाइव अपॉन टू, ये इसका जीरो हो जाएगा, ठीक है, इज ए जीरो ऑफ px। इन दी सेम वे एक क्वेश्चन है px एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, इसका हमें जीरो फाइंड करना है, तो हम px एक्स इक्वल टू जीरो ले लेंगे। ये रूल सब में सेम है, जब भी जीरो फाइंड करना है px एक्स इक्वल टू जीरो कर दो। अब px एक्स इक्वल टू जीरो हो गया, px की वैल्यू रख दीजिए सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो, डी को राइट हैंड साइड में ले जाओ, कितना आ जाएगा ये सी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी। अब c मल्टीप्लाई में है, इसको डिवाइड में ले आओ, x इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन सी, ये इसका जीरो हो जाएगा। समझ आ रहे हैं, सिंपल है टफ है? देखिए एक दो एग्जांपल और मैं बता देता हूँ आपको। पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन है, हमें इसका जीरो फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे पी एक्स को जीरो मान लेंगे, एक्स प्लस वन जीरो हो जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस वन, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस वन इसका जीरो है, ठीक है। पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस फाइव ले लेते हैं, ठीक है, एक्स माइनस फाइव ले लीजिए। अब हम क्या करेंगे, लेट पी एक्स इज इक्वल टू जीरो, पी एक्स इक्वल टू जीरो कितना आ जाएगा ये एक्स माइनस फाइव इक्वल टू जीरो, और माइनस फाइव को इधर लाओगे तो कितना हो जाएगा प्लस का फाइव, एक्स इक्वल टू फाइव इज जीरो ऑफ पी एक्स, ये इसका आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है ना। एक और क्वेश्चन ले लो आप, पी एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स प्लस फोर, तो पी एक्स इक्वल टू जीरो कर दो, थ्री एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज थ्री एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर, एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर अपॉन थ्री, इसका जीरो आ जाएगा। सिंपल है जीरो फाइंड करना, तो जब भी जीरो फाइंड करना है तो आपको क्या करना क्या है, पी एक्स इक्वल टू जीरो कर देना है, ठीक है, पी एक्स इक्वल टू जीरो करके फिर x की वैल्यू फाइंड कर देनी है, ये जीरो आ जाएगा। और अगर आपको पता लगाना है कि ये इसका जीरो है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे सिंपलीफाई करेंगे, x की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, सिंपलीफाई कर देंगे, अगर आंसर जीरो आ जाता है, अगर पी ए की वैल्यू जीरो आ जाती है, आंसर जीरो आ जाता है, तब तो उसका जीरो है, नहीं आएगा तो जीरो नहीं है, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ द पॉलीनोमियल, जीरो को चेक करना और जीरो को फाइंड करना, ये तीन कंसेप्ट बेस्ड एक्सरसाइज 2.1 है, इसको आप अपनी कॉपी में करेंगे। सबसे पहले आप ये सारे कंसेप्ट अपनी कॉपी में लिखेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज 2.1 आपको अपनी फेयर कॉपी में करनी है। किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे, मैं उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।